नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में हैं। गुरुवार को अरविंद केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम लेते हुए कई अनोखे आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने बिजली फ्री करने, महिलाओं को हर महीने पेंशन देने जैसी बातें भी दोहराई। आज यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आजकल पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। पहले कैप्टन साहब मुख्यमंत्री थे। कैप्टन साहब ने पिछले चुनाव में खूब वादे किए, झूठे झूठे वादे किए, सबको नौकरी दूंगा, एक भी आदमी को 5 साल में नौकरी नहीं दी। उन्होंने कहा बुढ़ापा पेंशन बढ़ाऊंगा, बुढ़ापा पेंशन भी नहीं बढ़ाई। उन्होंने कहा कर्जे माफ करूंगा, एक भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया। उन्होंने कहा स्मार्टफोन दूंगा, एक भी स्मार्टफोन नहीं दिया। जब कांग्रेस को लगने लगा कि कैप्टन साहब से तो हार जाएंगे, तो अभी 3 महीने पहले उन्होंने चन्नी साहब को मुख्यमंत्री बना दिया। अब चन्नी साहब ने नए नए ऐलान करने चालू किए हैं, रोज नए नए ऐलान करते हैं, लेकिन एक बात जरूर है, इससे बड़ी भारत के इतिहास में नौटंकीबाज और ड्रामेबाज सरकार आज तक हमने नहीं देखी। अभी थोड़े दिन पहले मैं चन्नी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था टीवी में। इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं तो 24 घंटे जनता से मिलता रहता हूं, सारा दिन मेरे घर में लोग बैठे रहते हैं, ड्राइंग रूम में जाता हूं, ड्राइंग रूम में लोग बैठे रहते हैं, बरांडे में जाता हूं, बरांडे में बैठे रहते हैं, बाथरूम में जाता हूं, बाथरूम में मेरे साथ लोग आते हैं, वहां भी मिलता रहता हूं। मुझे लगता है दुनिया के इतिहास में पहला सीएम होगा जो बाथरूम में भी लोगों से मिलता रहता है। फिर उसने इंटरव्यू टीवी वाले ने पूछा आजकल एनआरआई का क्या माहौल है जी, बोले मैं तो खुद ही एनआरआई हूं। बोले आप कैसे एनआरआई हो? मैं पहले पिंड में रहता था, अब मैं शहर में आ गया तो पिंड वाले मेरे को एनआरआई बोलते हैं। तो लोगों ने मजाक बनाने शुरू कर दिए। कल सोशल मीडिया पे चल रहा था कि जो वो मिस यूनिवर्स बनी है हमास संधु, उसने फोन किया चन्नी साहब को कि जी मैं हमास संधु बोल रही हूं, मिस यूनिवर्स बन गई। कहता ले मैं तो खुद ही मिस यूनिवर्स हूं। चन्नी साहब एक दिन जेल गए, जेल में कैदियों से मिलने के लिए। एक कैदी मिला, उससे पूछा कि तू जेल क्यों आया? कहता जी मैं जेब काटता था। कहता ले मैं तो खुद जेब काटता हूं। मजाक बना दिया इन्होंने सरकार का। ऐसे पंजाब का कैसे भविष्य आगे बढ़ेगा? आजकल चारों तरफ कह रहे हैं असली आम आदमी मैं हूं, असली आम आदमी मैं हूं, केजरीवाल आम आदमी नहीं है। कहते हैं मेरे को गिल्ली डंडा खेलना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को कंचे खेलने आते हैं, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को टेंट लगाना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मेरे को गाय का दूध निकालना आता है, केजरीवाल को आता है क्या? मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरे को गिल्ली डंडा खेलना नहीं आता, मेरे को आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाने आते हैं। मेरे को कंचे खेलने नहीं आते, आपके परिवार का इलाज करने के लिए अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं मेरे को। मेरे को टेंट लगाना नहीं आता,
आपकी बिजली फ्री करनी आती है, बिजली का बिल आपका जीरो करना आता है। मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, लेकिन मेरे को 24 घंटे बिजली देनी आती है आप लोगों को। अब पंजाब को तय करना है कि उनको गिल्ली डंडा खेलने वाली सरकार चाहिए कि अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने वाली सरकार चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी एक सर्कस बन गई है, सर्कस गए होगे ना वैसी सर्कस बन गई है। सिद्धू साहब की चन्नी साहब से नहीं बनती, चन्नी साहब की जाखड़ साहब से नहीं बनती, जाखड़ साहब की प्रताप बाजवा से नहीं बनती, प्रताप बाजवा की फतेहचंद बाजवा से नहीं, सारे लड़ रहे हैं आपस में। कैबिनेट मीटिंग के अंदर इनके गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, मुक्के चलते हैं इनकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। कैसे चलेगी ऐसे सरकार, ऐसी पंजाब सरकार, ऐसी सरकार ऐसी पार्टी क्या कांग्रेस को भविष्य दे सकती है? नहीं दे सकती। आज तक की पंजाब की सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार। इनको पता है कि अब जाने वाले हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारे कमाने में लगे हुए हैं। जाते जाते जितना कमाना है सारे कमा लो। रेता चोरी, मुख्यमंत्री के चन्नी साहब के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है। राघव चड्ढा रेड मार के आया था अभी 3 दिन पहले, आपने टीवी में देखा होगा, मुख्यमंत्री के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है। ऐसा हो सकता है मुख्यमंत्री को नहीं पता हो? मुख्यमंत्री को पता होगा नहीं पता होगा? अगर मुख्यमंत्री के हलके में चोरी हो रही है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री चोरी करवा रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके पास भी जाता होगा, तभी मुख्यमंत्री के हलके। ऊपर से लेके सारे नीचे तक इनके विधायक, इनके मंत्री सब चोरी करने में लगे हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पे आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में चोरी कर रहा है। हर मंत्री, हर विधायक चोरी करने में लगा हुआ है। इससे भ्रष्ट सरकार आज तक हमने कभी नहीं देखी, और झूठे ऐलान करे जा रहे हैं। चन्नी साहब कहते हैं मैंने रेता 5 रुपए फुट कर दिया, मिल रहा है रेता 5 रुपए फुट कहीं पे? चन्नी साहब कह रहे हैं मैंने 100 रुपए केबल के कर लिए, केबल वाला 100 रुपए ले रहा है? चन्नी साहब कहते हैं मैंने बिजली फ्री कर दी, जीरो बिजली का बिल कर दिया, बिजली का बिल आ रहा है नहीं आ रहा है? एक के बाद एक सारे झूठे वादे करते जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी, आज इतनी सारी मां बहनें आई हुई हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हर बेटी, हर मां, हर बहन के अकाउंट में हर महीने 1000-1000 रुपए डलवाएंगे। डलवाने चाहिए नहीं डलवाने चाहिए मां जी? हाथ खड़े करके बता दो, डलवाने चाहिए नहीं डलवाने चाहिए? जब से मैंने ऐलान करा है मेरे को खूब गालियां दे रहे हैं ये सारी पार्टी वाले, ये सारे नेता खूब गालियां दे रहे हैं कि अगर हर औरत के अकाउंट में 1000-1000 रुपए डलवा दिए तो सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। अरे सरकारी खजाना तो तुम लोगों ने खाली कर दिया, लूट लिया तुम लोगों ने। जब तुम लोगों ने 1000 करोड़ रुपए लूटे तब सरकारी खजाना खाली नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरी मां और बहन को 1000 रुपए महीना मिल जाए तब सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। अभी कोई कह रहा था पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा कैसे चढ़ा? ये दिल्ली के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिल्ली पे भी बहुत कर्जा था, 5 साल के अंदर सारा कर्जा उतार दिया मैंने। आज दिल्ली सरकार नफे में चल रही है, प्रॉफिट में चल रही है दिल्ली सरकार, घाटे में नहीं चल रही दिल्ली सरकार। पंजाब के ऊपर 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा किसने चढ़ाया? इन पार्टी वालों ने चढ़ाया, इन नेताओं ने चढ़ाया, खा गए ये सारा पैसा। आज मैं पंजाब की जनता से पूछना चाहता हूं, हमारी सरकार बनेगी इनसे पैसा वापस लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? सारा पैसा वापस लेंगे इन लोगों से, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे, सारा पैसा इनसे वापस लेंगे। ये कहते हैं महिलाओं को 1000-1000 रुपए देने का पैसा कहां से आएगा? मैं बताता हूं पैसा कहां से आएगा, सारे पैसे का इंतजाम करके आया हूं। 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा महिलाओं को 1-1000 रुपए महीना देने का। और मैंने कहा हमारी सरकार बनेगी बिजली भी मुफ्त देंगे, दिल्ली में बिजली मुफ्त आ रही है, दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिजली का बिल आता है।
जीरो बिजली का बिल आता है। अगर आपके दोस्त यार रिश्तेदार हो तो फोन करके पूछ लेना, दिल्ली में बिजली का बिल जीरो आता है, एक पैसे का बिजली का बिल नहीं आता और 24 घंटे बिजली आती है। पंजाब में भी जीरो बिजली का बिल करेंगे, 2000 करोड़ रुपए बिजली के बिल का खर्चा आएगा, 12000 करोड़ का खर्चा है। पंजाब का बजट 1,70,000 करोड़ है, इसमें कितना भ्रष्टाचार होता होगा आपके हिसाब से? 50%, 40%, 60%, कितना भ्रष्टाचार होता है? 150%। मान लो 20% भ्रष्टाचार होता है तो 34,000 करोड़ रुपया हर साल, 34,000 करोड़ रुपया ये नेता खा जाते हैं। इन नेताओं की जेब में जाता है, स्विस बैंकों में जाता है। हमारी सरकार बनेगी, अब ये पैसा स्विस बैंक में नहीं जाएगा, अब ये पैसा नेताओं की जेब में नहीं जाएगा, अब ये पैसा मेरी मां बहनों की जेब के अंदर जाया करेगा। आप में से कितने लोग हैं जिनके रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? कितने लोग हैं जिनके दोस्त यार रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बारे में पता है, या दिल्ली आप जाते आते रहते हो? आपने सुना है दिल्ली के अंदर स्कूल बहुत अच्छे हो गए? किस किस ने सुना है कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए? सबने सुना है कि दिल्ली के स्कूल बहुत अच्छे हो गए। पंजाब के स्कूल अच्छे होने चाहिए नहीं होने चाहिए, आपसे पूछना चाहता हूं। चन्नी साहब कहते हैं पंजाब के स्कूल देश में सबसे अच्छे हैं। क्या पंजाब के सरकारी स्कूल देश में सबसे अच्छे हैं? क्या पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई होती है? खंडर बने पड़े हैं पंजाब के स्कूल। क्या आप चाहते हो कि दिल्ली के जैसे अच्छे स्कूल होने चाहिए? कौन पार्टी कर सकती है दिल्ली के जैसे अच्छे स्कूल? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। जैसे दिल्ली में हमने शानदार सरकारी स्कूल करे, आपके बच्चों के लिए पंजाब में भी सरकारी स्कूल अच्छे करेंगे। और मुझे बेहद दुख है, आज पूरे पंजाब के अंदर सरकारी स्कूलों के टीचर पढ़ाने की बजाय जगह जगह धरने पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि कच्चे टीचर को पक्का करना चाहिए। मुझे बेहद दुख है इस बात का। और कल मैंने देखा कि किस तरह से डंडों से पीटा जा रहा था टीचर्स को। टीचर की तो इज्जत की जाती है समाज में, टीचर्स को अगर पीटोगे तो हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा? दिल्ली के अंदर हमने अस्पताल अच्छे कर दिए। आज अगर दिल्ली में कोई भी बीमार होता है, चाहे कोई भी बीमारी हो, छोटी से बड़ी बीमारी हो, उसका पूरा इलाज फ्री होता है सरकारी अस्पताल के अंदर। एक क्रोसिन से लेके अगर 70-80 लाख रुपए तक का ऑपरेशन भी होगा, बड़ी से बड़ी बीमारी भी होगी, तो वो भी पूरा का पूरा इलाज दिल्ली के अंदर फ्री होता है। पंजाब के अंदर होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप चाहते हो कि नहीं चाहते पंजाब के अंदर होना चाहिए? ये लोग मेरे को गालियां देते हैं, कहते हैं केजरीवाल पैसे लुटा रहा है। मैं पैसे जनता के ऊपर लुटा रहा हूं? अभी तक नेता लूटते थे सारा पैसा, अब जनता के ऊपर पैसा लुटाएंगे हम लोग? जितनी सहूलियत इन खास लोगों को मिलती है, आज अगर चन्नी साहब बीमार हो जाए उनका सारा इलाज फ्री होता है, अब पंजाब की जनता अगर बीमार होगी तो उनका भी सारा इलाज फ्री होगा। आज चन्नी साहब की सारी बिजली फ्री है, अब पंजाब की जनता की भी बिजली फ्री होगी। अभी अभी कुड़िया साहब ने बताया कि यहाँ पे जो पानी आता है नहरों से, उसकी बिजली का बड़ा खर्चा आता है, पानी मुफ्त पानी का बड़ा पैसे देने पड़ते हैं। कुड़िया साहब, हमने दिल्ली के अंदर भी बिजली और पानी मुफ्त किया है और आपका भी बिजली और पानी हम लोग मुफ्त करेंगे। कांग्रेस चारों तरफ घूम घूम के कह रही है एससी भाईचारे के लोग हमें वोट दे दो, एससी भाईचारे के लोग हमें वोट दे दो, हमने एससी भाईचारे का मुख्यमंत्री बना दिया। मैं एससी भाईचारे के लोगों से कहना चाहता हूं कि चन्नी साहब आपके एससी भाईचारे के तो हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल आपका भाई है, आपके परिवार का हिस्सा है। अगर कल को आपके घर में कोई बीमार होगा तो चन्नी साहब काम नहीं आएंगे, केजरीवाल आपके बच्चे का इलाज कराएगा। अगर आपके बच्चे की कल पढ़ाई नहीं हो रही होगी, आपके बच्चे को आईएएस बनाना होगा, तो मैं और आप मिलकर आपके बच्चे को आईएएस बनाएंगे, चन्नी साहब काम नहीं आएंगे। मेरी आपसे केवल यही विनती है कि जितना प्यार और मोहब्बत पंजाब के लोगों ने हम लोगों को दी है,
वो प्यार और मोहब्बत आप हमें देते रहिए। 1966 में पंजाब बना था, पहले पंजाब और हरियाणा एक ही सूबा होते थे। 1966 में पंजाब बना था, तब से लेके आज तक 25 साल पंजाब पे कांग्रेस ने राज किया, 19 साल पंजाब पे अकाली दल ने राज किया। आपने 25 साल कांग्रेस को दिए, 19 साल अकाली दल को दिए। मैं आपसे केवल 5 साल मांग रहा हूं, आप हमें 5 साल दे दो, अगर पसंद नहीं आए तो अगली बार हटा देना हम लोगों को। और अगर इन्होंने कांग्रेस को आपने 25 साल दिए, इन्होंने 25 साल में कुछ नहीं किया, तो अगले 5 साल में भी ये कुछ नहीं करने वाले। आपने अकाली दल को 19 साल दिए, इन्होंने 19 साल में अगर कुछ नहीं किया तो अगले 5 साल में भी कुछ नहीं करने वाले। दिल्ली के लोगों ने हमको 5 साल दिए थे, हमने इतना शानदार काम करके दिखाया कि दिल्ली वालों ने दोबारा 5 साल दे दिए, अब तीसरी बार भी 5 साल दे दिए उन लोगों ने हमको। बार बार दिल्ली के लोग, एक बार आप हमें मौका दे के देखो, आप बाकी सारी पार्टियों को भूल जाओगे। और आज इस लंबी हलके के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, गुरमीत कुड़िया साहब निहायत शरीफ और निहायत ईमानदार आदमी है। इनके पिताजी ने जो ईमानदार राजनीति की शुरुआत की थी वो आज ये लेके आगे चल रहे हैं। हमारी आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है, उसने लंबी हलके से ईमानदार आदमी को टिकट दी है। अभी तक पिछले 25 साल से यहां पे बादल परिवार का कब्जा है, एक बार कुड़िया साहब को भी मौका देके देखो आप सारे जने। बोले